दोस्तों, क्या आप ये समझते हो कि मैं YouTube पर सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, या IQT YouTube, या मैं YouTube छोड़ दूंगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको एंड तक देख लेना है। अगर दोस्तों आप ये सोचते हैं कि मैं अब YouTube छोड़ दूंगा, मैं YouTube पर वायरल नहीं हो पाऊंगा, या दोस्तों मेरे YouTube पर कोई भी वीडियो वायरल नहीं होगी, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप किए पूरा का पूरा देख लेते तो आपकी जो वीडियो है वो भी वायरल होगी। साथ में दोस्तों आप YouTube से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे और आप एक दिन एक सक्सेस यूट्यूबर ही बनेंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप YouTube पर वायरल नहीं हो पाते हैं या ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। और दोस्तों मैं आपको सारा कुछ SEO से ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपकी जो वीडियो है वो अच्छा खासा YouTube पर परफॉर्मेंस करे। तो चलिए गाइस, अभी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि YouTube पर डे कम से कम लाखों यहाँ पर क्रिएटर आते हैं और अपना YouTube चैनल क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उस पर अपना टैलेंट लोगों तक पहुँचाते हैं और अपना वीडियो को शूट करके YouTube पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि YouTube के लिए सिर्फ आप ही हैं। YouTube का जो लर्निंग सिस्टम है, जो एल्गोरिथम है, वो सिर्फ आप पर ही नज़र नहीं डालता, वो सारे क्रिएटर पर नज़र डालता है। जैसे कि पर डे अगर 1 लाख क्रिएटर यहाँ पर अपलोड करते हैं अपनी वीडियो को, तो वो सारी वीडियो को वहाँ पर किसी ना किसी के पास शेयर करेगा। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों अगर आप आज से यूट्यूबर बने हैं तो आपकी जो एल्गोरिथम है, जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, वो आपकी वीडियो को उठाएगा और करोड़ों लोगों के सामने भेज देगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब का जो लर्निंग सिस्टम है, जो एल्गोरिथम है, वो आपकी वीडियो का SEO देखता है। तो दोस्तों अगर आप भी ये सोचते हैं, या आपको अनुभव भी होगा कि मैं सारा कुछ वीडियो में अच्छा करता हूँ, SEO भी अच्छा करता हूँ, टाइटल भी अच्छा देता हूँ, तो दोस्तों फिर भी हमारी वीडियो नहीं वायरल होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ आगे हम बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि YouTube पर अगर आप 3 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी अगर आप YouTube पर ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ से कोई भी हानि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं दो साल से यहाँ पर पीछे वर्क करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे YouTube पर सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरे व्यूज़ नहीं आते, तो मैं आज से YouTube को छोड़ दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब दोस्तों आप YouTube पर चैनल क्रिएट किए होंगे, तो सबसे पहले आपने YouTube से ही सीखा होगा कि YouTube चैनल किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसके बाद में आपने YouTube चैनल क्रिएट कर लिया। YouTube चैनल क्रिएट करना आपको आ गया, तो दोस्तों YouTube से ही आपने सीख लिया कि YouTube चैनल कैसे बनाए। उसके बाद में सेकंड बार में आपने सोचा होगा कि YouTube वीडियो किस प्रकार से अपलोड करते हैं। तो दोस्तों YouTube वीडियो किस प्रकार से अपलोड करते हैं, ये आपने YouTube से ही सीखा है। उसके बाद में दोस्तों सीखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि YouTube पर वीडियो किस प्रकार से अपलोड करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि थंबनेल कैसे लगाते हैं या कैसे बनाते हैं, तो ये भी आपने YouTube से ही सीखा है। YouTube पर ही आपको सारा कुछ पता चल गया। अब दोस्तों ये सारा कुछ आपके लिए लाइफ टाइम के लिए, आप ये कभी भी आप YouTube से सीखते हैं, ये कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों आप YouTube से अगर आप 2 साल से काम करते हैं, तो आप वहाँ पर आपकी कुछ भी यहाँ पर हानि नहीं है। आप और यहाँ पर रीड करते आते हैं, यानी कि यहाँ पर YouTube से सीखते आते हैं कि टैग्स कैसे लगाएं, डिस्क्रिप्शन कैसे करें, टाइटल कैसे लिखें, थंबनेल कैसे बनाएं, YouTube वीडियो का SEO फुल तरीके से कैसे करें, कौन सा अपडेट आने वाला है, ये सारा कुछ आप YouTube से ही सीखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2 साल से आपने कुछ भी नहीं खोया होगा, अगर आपने अंदर ये झांक कर देखते हैं कि मैंने यहाँ पर यार ये एक YouTube चैनल क्रिएट करना सीखा है, उसके बाद टैग्स लगाने सीखे, उसके बाद टाइटल लगाना सीखा है, YouTube वीडियो शूट करना सीखा, उसके बाद में आपको सारा कुछ यहाँ पर सीखते ही आते हैं। और दोस्तों एक दिन अगर आप YouTube पर इसी प्रकार से बने रहे, तो एक दिन सीखते ही सीखते आप भी एक सक्सेस यूट्यूबर बन जाएंगे। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब मैं एक सक्सेस यूट्यूबर बन गया हूँ और मैं कितने पैसे कमाना लगा हूँ। तो दोस्तों ये सारा कुछ आपको अपने ही अंदर पता चलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करें कि मैं कब तक YouTube पर एक सक्सेस यूट्यूबर बन सकता हूँ। अगर दोस्तों आप लास्ट पिछले अगर 3 साल से अगर आप YouTube पर काम करते हैं, फिर भी अगर आपको यहाँ पर 20,000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, या दोस्तों 50,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, या दोस्तों आपकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं होती है, तो यहाँ पर कुछ आप अपने आप को इम्प्रूव कर दीजिएगा, जिससे आपकी जो वीडियो है वो लोगों तक, अन्य लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके बाद में दोस्तों अगर आप फिर भी यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, फिर भी दोस्तों अगर आप YouTube पर कभी ना कभी तो जरूर सक्सेस होंगे। इसके बाद में दोस्तों YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर लगन से काम करना होगा, रेगुलर काम करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बोलता हूँ रेगुलर, ऐसा नहीं आपको पर डे काम करना है। यहाँ पर दोस्तों अब सन 2021 की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वालिटी देना होगा,
यहाँ पर आपको वीडियो पर इतना अच्छा सिखाना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन है वो बहुत ही हाईएस्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको अब ऐसा सिखाना होगा जो दोस्तों ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को पूरा देखे, बिल्कुल भी स्किप ना करे और वीडियो को छोड़कर ना जाए। जिससे अब इस टाइम की बात करें तो एल्गोरिथम जो यूट्यूब का है वो दोस्तों यहाँ पर ऑडियो रिटेंशन ही देखता है। जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा लोग टिकते हैं, ज़्यादातर उस वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं, तो वो वीडियो जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है, ऐसा आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है, उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी वीडियो को यहाँ पर लॉन्ग भी बनाना है, जिससे आपकी जो वीडियो वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे। जैसा कि आपको पता है कि 3 साल से मैं अगर YouTube पर काम करता हूँ फिर भी अगर यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है, तो आगे भी आप इसी प्रकार से काम करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। जैसे कि कोई भी क्रिएटर हुआ, सबसे पहले ये जो फर्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही बेकार तरीके से बनाता है, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव, डेली की डेली इम्प्रूव यहाँ पर लाता रहता है, जिससे उसकी जो वीडियो है वो ऑडियो क्वालिटी हुई, वीडियो क्वालिटी हुई, सारे कुछ वहाँ पर इम्प्रूव होती है और अच्छी खासी एकदम क्रिएटर बन जाता है, अच्छी खासी वीडियो वहाँ पर अपलोड कर देता है, जिससे उसका जो ऑडियो रिटेंशन है वो बहुत ही अच्छा वहाँ पर शो करता है। अब दोस्तों बात करें YouTube प्लेटफॉर्म की, तो दोस्तों YouTube पर ऐसा नहीं कि अगर आप 3 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दोस्तों आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाता है, तब भी आप जितना काम करते हैं उसका यहाँ पर फल आपको मिलता रहेगा। उसके बाद में अदर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ YouTube से ही सीखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सारा कुछ YouTube से सीखते आते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करें कोई भी अलग प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे कि पढ़ाई हुई, अगर दोस्तों आप किसी भी जॉब में काम करना चाहते हैं फिर भी दोस्तों अगर आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं, उसके बाद में BA PhD जो भी आप करते हैं, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप 5 साल से यहाँ पर तैयारी करते हैं, उसके बाद में आप 18 साल या 20 साल के बाद अगर आप जॉब में सिलेक्ट होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 साल तक आपने मेहनत किया। अगर ये सारा कुछ, इतनी अगर मेहनत, अगर आप पार्ट टाइम यहाँ पर अगर आप 1-2 घंटे देकर अगर आप YouTube पर इतनी मेहनत कर देते हो, तो गारंटी से 101% कहता हूँ कि आप एक YouTube पर सक्सेस यूट्यूबर बन जाएंगे। एक दिन आपका भी वर्ल्ड में नाम होगा और आपको भी सारे लोग जानते होंगे कि हाँ, ये बंदा एक बेस्ट यूट्यूबर है और अच्छी खासी YouTube वीडियो से पैसा भी कमाता है और व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं। तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई से लेंगे या दोस्तों किसी अन्य प्लेटफॉर्म से लेंगे या बिजनेस से लेंगे, तो दोस्तों यूट्यूब पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 घंटे ही देने हैं। और रेगुलर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 1 दिन में 1 वीडियो नहीं डाल पाते तो 2 दिन में 1 डाल दीजिए, 1 वीक में 1 डाल दीजिए, लेकिन दोस्तों आपको यूट्यूब को छोड़ना नहीं है। अगर दोस्तों आप अगर अभी से यूट्यूब पर छोड़ देंगे, या दोस्तों आपके साथ वाले भी होंगे वो यूट्यूब पर वीडियो बनाते होंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रेंड जो होते हैं वो बनाने भी लगते हैं, अगर आप यूट्यूब बीच में छोड़ देते हैं 2 साल के बाद, अगर जो दूसरा बंदा है वो यूट्यूब को नहीं छोड़ता है, तो अगर वो आगे जाकर सक्सेस हो जाता है, तो अगर आप उसका वीडियो देखेंगे वो, क्योंकि दोस्तों वह सक्सेस हो चुका होगा, अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको पीछे के दिन याद आ जाएंगे कि यार, मैं भी यूट्यूब को नहीं छोड़ता, जिससे मैं भी आज एक हो सकता है कि सक्सेस यूट्यूबर होता। तो दोस्तों यूट्यूब का आपको क्यूट नहीं करना, नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पर 24 घंटे ही देने हो, सिर्फ आपको 2 दिन में अगर 2 घंटे भी मिलते हैं फिर भी आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें आपकी वीडियो क्वालिटी की, अगर दोस्तों आप में वीडियो क्वालिटी में दम होगा, अगर दोस्तों आप अच्छी तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, तो आपकी जो वीडियो वो 100% परफॉर्मेंस करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मुझे आपको ये नोटिस करना था, ये आपको बताना था कि अगर आप यूट्यूब पर बोर हो चुके, अगर आपका मन यूट्यूब छोड़ने को कर रहा है, तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा कोई भी नहीं है कि अगर 1 दिन में ही वो वायरल हो गया हो। तो ऐसे हर एक क्रिएटर, हर एक जो फेमस क्रिएटर है, वो सारे कुछ मेहनत करते हैं, 4-4 साल 3-3 साल करीबन वहाँ पर वो काम करते हैं, उसके बाद में एक सक्सेस यूट्यूबर बन पाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये नहीं सोचना है कि मैं YouTube को छोड़ दूंगा, मेरे किस्मत में ही नहीं है कि YouTube पर वीडियो बना सकूं, एक सक्सेस यूट्यूबर बन सकूं। दोस्तों ये आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो नए यूट्यूबर के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही दोस्तों जो यूट्यूब को छोड़ना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको नए यूट्यूबर से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, टेक केयर एंड बाय।